हेलो फ्रेंड्स, गिल्स माइटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से थोड़ा स्वागत है। अज 11 सितंबर है तो आप रेडी अपने करंट अफेयर सैशन के नाल। करंट अफेयर सैशन जो कि इंपोर्टेंट होएगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, PPSC, SSC, CGL, CHSL या बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। आप स्टार्ट करेंगे अज अ सैशन। सब तो पहले सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी तुसी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप, टैलीग्राम, फेसबुक, जिथे भी तुसी शेयर कर सकते हो सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो। आप स्टार्ट करते हैं सैशन। सब तो पहले IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी के लिए नवे बैचिज शुरू किए जा चुके हैं। अगर तुम एनरोल करवाना चाहते हो, इस इन एनरोल करवाना चाहते हो, तो साड़ी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर तो साड़ी वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इतने दिता हुआ। होर भी किसी तरीके के क्रैश कोर्स में अगर तुम बाय करना चाहते हो तो भी साड़ी वैबसाइट विजिट कर सकते हो। इस तो इलावा चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो। आप स्टार्ट करते हैं सैशन। सब तो पहले 9 सितंबर नू इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया। सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया। याद रखना किसके लिए, उन्होंने लोगों के लिए जिन्हों का बैलेंस 10 लाख या उस तो ज़्यादा होंगे एवरेज मंथली क्वार्टरली दे विच। इस तो अलावा मुंबई के हेडक्वार्टर है अतनु कुमार दास बैंक ऑफ इंडिया के MD। नेक्सट है गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज अपॉइंटेड क्रिकेटर मैथ्यू हिडन एंड इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन लीसा सिंह एज ट्रेड एनवॉय फॉर एडवेंसिंग बिजनेस टाइज विद इंडिया। इंडिया के नाल बिजनेस टाइज़ नू इंक्रीज करन दे लई ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेटर मैथ्यू हिडन और लीसा सिंह जो कि इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन ने इन्हां नू एज ए एम्बेसडर अपॉइंट किया। नैक्सट है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह द्वारा इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2019 दिता गया है डेविड एटनबोरो 2018 के प्राइज़ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट दिता गया सी। प्राइज़ मनी है 25 लाख रुपए की। इस 25 लाख रुपए की प्राइज़ मनी है। नेक्स्ट है चैनिंग टैटम द्वारा एक बुक लिखी गई है द वन एंड ओनली स्पार्कलर्स। बुक किन्हां द्वारा लिखी गई है, चैनिंग टैटम द्वारा। आर मसाकुई नू एम्बेसडर अपॉइंट किया गया इंडिया टू जमायका। आर मसाकुई इज अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू जमायका। कैपिटल किंगस्टन है, करंसी इतने डॉलर चल रही है। नेक्स्ट है वेतरन तेलुगु एक्टर जय प्रकाश रेड्डी पास जवे। ये कितों बिलोंग करते सी, आंध्र प्रदेश तो बिलोंग करते सी। एक होर ओबिचुरी फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनोमी डॉक्टर गोविंद स्वरूप की भी रिसेंटली डैथ हो गई है। इन्होंने पद्म श्री अवार्ड जितया सी 1973 दे विच एंड शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिता सी 1972 दे विच। अनिल जैन प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टैनिस एसोसीएशन। अनिल जैन नू प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया ऑल इंडिया टैनिस एसोसीएशन का। इंडिया द्वारा $500 मिलियन लोन एग्रीमेंट साइन किया गया, $500 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर दिल्ली मीरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम विद ADB। इंडिया का ADB के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया है दिल्ली मीरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए, याद रखना। नेक्स्ट है इंडिया यूएसए ने इजराइल के नाल कोलैबोरेशन की है 5G टेक्नोलॉजी के लिए। 5G टेक्नोलॉजी नू डेवलप करन दे लई इंडिया ने USA और इजराइल के नाल पार्टनरशिप की है, याद रखनी। नेक्स्ट है पत्रिका गेट नू इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा पत्रिका गेट नू इनोग्रेट किया गया है जयपुर राजस्थान दे विच। ठीक है जी, इस दे नाल दो बुक्स लॉन्च कीतियां ने,
टू बुक्स आर ऑल्सो लॉन्च बाय हिम। बुक्स का नाम याद रखना संवद, सामवेद उपनिषद, सामवद उपनिषदी और अक्षर यात्रा, अक्षर यात्रा, जिन्हों लिखा गया गुलाब कोठारी द्वारा, गुलाब कोठारी द्वारा जिन्हों लिखा गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु। पीवी सिंधु पार्टिसिपेट करेंगे थॉमस कप और ऊबर कप। बेसिकली अगर गल करिए तो थॉमस पार्टिसिपेट करेंगे ऊबर कप दे विच। जिहड़ा थॉमस कप है वह मैन दे लई हुंदा है, ऊबर कप वूमेन दे लई हुंदा है। ये भी याद रखने, कल दसना रहेगा सी थॉमस कप और ऊबर कप। पीवी सिंधु ऊबर कप दे विच पार्टिसिपेट करेंगे, पर जिहड़े दोनों ईवेंट्स ने थॉमस कप और ऊबर कप, थॉमस कप और ऊबर कप दोनों कित्थे हैल्ड किए जाएंगे, डेनमार्क दे विच। डेनमार्क कैपिटल कोपेनहेगन, करंसी क्रोन चलती है। डेनमार्क कैपिटल कोपेनहेगन, करंसी क्रोन चलती है। नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश वेल जॉइंटली हेल्ड सिक्स्थ मीटिंग ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन विद इंडिया। बांग्लादेश इंडिया के नाल छेवीं मीटिंग हेल्ड करन जा रहा है जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन की, जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन की। नेक्स्ट है थर्ड इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम। तीसरी इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम हेल्ड की जा रही है हनोई वियतनाम दे विच, हनोई वियतनाम दे विच। कदों की जाएगी 28-29 अक्टूबर 2020। इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम कितने हेल्ड की जाएगी, हनोई वियतनाम दे विच। जिस तरीके नाल 36th समिट भी हेल्ड किया गया सी, किसदा, एशियान दा, एशियान दा 36th समिट हनोई वियतनाम दे विच। UAE, UAE becomes first Arab country to give paternity leaves to fathers. Fathers नू paternity leave UAE देन वाली पहली country बनी है। UAE capital आबू धाबी, currency दिरहम है। Togo, Togo becomes first African country to end sleeping sickness. Sleeping sickness नू end करने वाली first African country बनी है Togo. Togo capital लॉम, currency इको चल रही है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च YSR संपूर्ण पोषण स्कीम। YSR संपूर्ण पोषण, YSR संपूर्ण पोषण स्कीम नू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया, फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड टू प्रेगनेंट वूमेन, प्रेगनेंट वूमेन्स नू न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करवाने के लिए। लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस, सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस नू लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बीएस येदुरप्पा, कर्नाटका दे चीफ मिनिस्टर बीएस येदुरप्पा द्वारा 400 मीटर फोर लेन फ्लाईओवर, 400 मीटर फोर लेन फ्लाईओवर नू इनोग्रेट किया गया है, जिसका नाम रखा गया वी डी सावरकर के नाम के उत्ते। अगर गल करिए हिंदुइज्म दे आइडियोलॉग ने वी डी सावरकर के नाम के उत्ते इसका नाम रखा गया है। 34 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसनों बनाया गया CM नगोरथा स्कीम के उत्ते, CM नगोरथा स्कीम के अनुसार इसनों बनाया गया। नेक्स्ट दो क्वेश्चन बनते हैं इतों कि CM नगोरथा स्कीम केड़ी स्टेट की है, कर्नाटका की, और फ्लाईओवर वी किस दे नाम के उत्ते बनाया गया, वी डी सावरकर द्वारा, किस द्वारा इनोग्रेट किया गया, चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा द्वारा। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी द्वारा कोविड 19 विजय रथ नू फ्लैगड ऑफ किया गया, ताकि लोगों के कोविड 19 के लिए अवेयरनैस फैलाई जा सके। गुजरात द्वारा ही एक 15 मैंबर टास्क फोर्स बनाई गई है, ताकि नैशनल एजुकेशन पॉलिसी, नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नू इंप्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, एमपी द्वारा अनाउंस किया गया है कि 3600 ऑक्सीजन बैड्स ते 564 ICU बैड्स ऐड किए जाएंगे कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए, कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए। कदों तक, 31 अक्टूबर 2020 तक। दिल्ली बिकम्स फर्स्ट टू इनोग्रेट द गवर्नमेंट्स ऑनलाइन पोर्टल। दिल्ली द्वारा पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने गवर्नमेंट्स ऑनलाइन पोर्टल बनाया, किस दे लई, ई फाइलिंग ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स, कंज्यूमर कंप्लेंट्स नू डिजिटली फाइल करन दे लई, जिसनों इनोग्रेट किया गया चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा। इनोग्रेट किन्ना द्वारा किया गया, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा।
ठीक है जी, जल्दी आप स्टैटिक पोर्शन दे विच आप स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड और स्टेट ट्री डिस्कस कर रहे हैं। सब तो पहले आंध्र प्रदेश, ब्लैक बक स्टेट एनिमल है, इंडियन रोलर स्टेट बर्ड है और नीम स्टेट ट्री है। अरुणाचल प्रदेश, मिथुन स्टेट एनिमल है, ग्रेट हॉर्नबिल स्टेट बर्ड है और होलोंग स्टेट ट्री है। असम, वन हॉर्न राइनोसोरस, जिसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क स्पेशली वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है, असम दे विच है, ठीक है जी। और काजीरंगा नेशनल पार्क का एरिया इंक्रीज करने की गल भी की जा रही है, ये भी याद रखना। वाइट विंग वुड डक स्टेट बर्ड है और होलोंग स्टेट ट्री है। अंडेमान एंड निकोबार, दुगोंग स्टेट एनिमल है, वुड पीजन स्टेट बर्ड है और अंडेमान पुडोक स्टेट ट्री है। नेक्स्ट चलते हैं आज दी फर्स्ट क्वेश्चन दे वाल, फर्स्ट न्यूज डिस्कस करांगे। सब तो पहले, विच डे इज ऑब्जर्वड एज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व किया गया 10th of September में। 10th September नूं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, जिस तरीके नाल तुसी देखे ही होएगा कि सुसाइड नूं रोकण दे लई, अगर आप गल करिए स्ट्रेस नाल किसी भी कारण दे नाल जिहड़ी सुसाइड लोकी कर लैंदे ने उसनूं रोकण दे लई, प्रिवेंट करन दे लई इस दिन नूं ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है जी। अच्छा, 8th September नूं लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया गया। 9th September कल आपां डिस्कस किया सी एजुकेशन फ्रॉम अटैक डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। 5th September टीचर्स डे, सब तो पहले टीचर्स डे ऑब्जर्व किया गया इंडिया द्वारा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। प्लस चैरिटी डे, इंटरनेशनल चैरिटी डे ऑब्जर्व किया गया 5th September नू, मदर टेरेसा दी डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। 2nd September वर्ल्ड कोकोनट डे, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड इस दी थीम रही सी। 1st September LIC दा फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया, फर्स्ट सितंबर में 1956 दे विच बनाई गई सी LIC, MR कुमार इज दे हेड ने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबल पीस प्राइज 2021। नोबल पीस प्राइज 2021 दे लई नॉमिनेट किया गया है, किना नू किया गया है, ये किया गया डोनाल्ड ट्रंप नू। यूएसए दे जिहड़े प्रेजिडेंट ने इन्हां द्वारा पीस दे लई, बेसिकली दो कंट्रीज सीगियां जिन्हां नू पीस दे लई मोटिवेट किया गया, एग्रीमेंट साइन करवाया गया, उसके लिए USA के प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नू नोबल पीस प्राइज 2021 दे लई नॉमीनेट किया गया, दिता नहीं गया, नॉमीनेट किया गया। प्लस याद रखना ईयर इंपोर्टेंट बनेगा, अगर आप गल करिए 2019 दे नोबल पीस प्राइज इथोपिया दे प्राइम मिनिस्टर का नाम सी अबे अहमद अली नू 2019 दा नोबल पीस प्राइज दिता गया सी, इथोपिया दे प्राइम मिनिस्टर सीगे, याद रखने। और 2020 दे हजे दिते जाने ने, याद होएगा कदों दिते जाने ने, दिसंबर दे विच दिते जाने ने, 9th-10th December दे नज़दीक इन्हां अवार्ड नू अनाउंस किया जाता है और दिता जाता है। 2020 दे हजे दिते जाने ने, अनाउंस किए जाएंगे। 2021 दे लई नॉमीनेट किया गया डोनाल्ड ट्रंप नू नोबल पीस प्राइज दे लई। नोबल प्राइजिज़ की गल करिए 6 categories दे विच दिते जाते हैं, फिजिक्स कैमिस्ट्री मेडिसिन इकनोमिक्स पीस और लिटरेचर, ठीक है जी। ये याद रखने, सब तो लास्ट दे केड़ा शुरू किया गया सी, इकनोमिक शुरू किया गया सी, बाकी सारे 1901 तो शुरू कर दिते गए, याद रख। व्लादिमीर पुतीन रशिया दे प्रेजिडेंट ने जी जिनपिंग, चाइना दे प्रेजिडेंट ने सिंझो आबे, जापान दे प्राइम मिनिस्टर सिगे इन्हां द्वारा रेजिग्नेशन दिता गया सी, याद रखना। अच्छा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की गल करिए नरेंद्र मोदी, इन्हां रिलेटेड एक इंपोर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है, डिस्कस करांगे डिटेल दे विच।
सब तो पहले है कि इन्हां द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की गई है। जिस तरीके नाल मत्स्य करा भरोसा स्कीम है आंध्र प्रदेश की फिशरीज दे, बेसिकली फिशरमैन दे लई सिमिलर तरीके की योजना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज इन इंडिया। इसका की मोटिव है कि फिश प्रोडक्शन इंक्रीज करना है जिस दे नाल 70 लाख टन फिश प्रोडक्शन इंक्रीज की जा सके और अर्निंग्स नू भी इंक्रीज किया जा सके तकरीबन 1 लाख करोड़। कदों तक? 2024-25 तक। टारगेट रखा गया 2024-25 कि 70 लाख टन एडिशनल फिश प्रोड्यूस की जाएगी और 1 लाख करोड़ तक की अर्निंग्स नू किया जाएगा। सिमिलर तरीके दे नाल इन्हां द्वारा ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है किथे बिहार दे लई फोर आएगा थे टू लॉन्च फॉर इट इन बिहार। बिहार दे विच ई गोपाला एप्लीकेशन भी इसे परपज दे लई लॉन्च की गई है और नाल दी नाल अनाउंस किया गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिश ब्रूड बैंक। फिश ब्रूड बैंक किथे? सीतामरही एंड एक्वैटिक डिसीज रेफरल लैबोरेटरी एट किशनगंज इन बिहार। बिहार दे सीतामरही दे विच फिश ब्रूड बैंक और एक्वैटिक डिसीज रेफरल लैबोरेटरी किशनगंज दे विच। याद रखना। नेक्स्ट है, हु हैज़ डिजिटली अटेंडेड द 73rd सेशन ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। WHO दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड दे विच हेडक्वार्टर है। अगर गल करिए इसकी तो 7 अप्रैल 1948 दे विच आई थिंक इसनों बनाया गया सी। ईयर मेरे माइंड चो स्किप कर रहा है, मेरे कन्फर्म नहीं है। 7 अप्रैल नूं जिस दिन आप वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं, इस दे लई आप वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, इस 73rd सैशन दे विच किसने पार्टिसिपेट किया? ओबियसली किसने किया होगा? हेल्थ मिनिस्टर। तो हेल्थ मिनिस्टर ने अपने डॉक्टर हर्षवर्धन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, इस तो इलावा अर्थ साइंस मिनिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री इन्ह लवे चांदनी चौंक दिल्ली तो लोकसभा MP। नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने। इस तो इलावा अगर आप गल करिए एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर पंचायती राज मिनिस्ट्री और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इन्हां लवे मोरियाना मध्य प्रदेश तो लोकसभा MP। हरसिमरत कौर बादल फूड प्रोसैसिंग मिनिस्टर ने बठिंडा पंजाब तो लोकसभा MP। स्मृति ईरानी WCD मिनिस्टर वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने और अमेठी उत्तर प्रदेश तो लोकसभा MP ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाराणसी उत्तर प्रदेश तो लोकसभा MP ने। वूमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अलावा इन्हें लवे टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री भी है स्मृति ईरानी लवे, ये याद रखनी। इस तो अलावा इन्हों मिनिस्टर्स के रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने और डिस्कस करते हैं। सब तो पहले नरेंद्र सिंह तोमर की अगर आप गल करिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एज ए एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन्हों द्वारा साउथ इंडिया की पहली और इंडिया की दूसरी किसान रेल, आप पहले डिस्कस की हुई है याद होएगा सूँ, किसान रेल लॉन्च की गई है। एक इसके लिए होंगी है ताकि जेडे ऐसे गुड्स ने जेडे कि ईजली खराब हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गए, वैजीटेबल्स हो गई, इन्हों ईजली एक्सपोर्ट करने के लिए एक स्टेट तो दूसरी स्टेट के किसान रेल लॉन्च की गई सी। तो दूसरी किसान रेल अनंतपुर और न्यू दिल्ली के लॉन्च की गई है। अनंतपुर और न्यू दिल्ली के क्वेश्चन है मेरा कि अनंतपुर कित्थे है, अनंतपुर केड़ी स्टेट के है, ये कमेंट बॉक्स के दसना है। ठीक है, इस तो इलावा अगर आप गल करिए पहली जी ट्रेन सी और देवलाली महाराष्ट्र तो दानापुर बिहार तक लॉन्च की गई सी। देवलाली महाराष्ट्र तो दानापुर बिहार तक। नेक्स्ट है हरसिमरत कौर बादल फूड प्रोसैसिंग मिनिस्टर ने इन्हों द्वारा ऑरगैनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लांट लगाए गए। ऑरगैनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लांट नू इनोग्रेट किया गया है बरबंकी यूपी दे विच विद अ कोस्ट ऑफ 55 करोड़ रुपए की लागत के नाल बरबंकी यूपी दे विच ऑरगैनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लांट नू इनोग्रेट किया गया है हरसिमरत कौर बादल द्वारा। स्मृति ईरानी एज ए WCD मिनिस्टर इन्हों द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है वैबीनार सीरीज़।
ड्यूरिंग थर्ड पोर्शन माह इन सितंबर 2020। हालांकि सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट चीज़ ये है जी आप पहले नहीं डिस्कस की थी, आप डिस्कस किया सू याद होएगा कि सितंबर मंथ में पोषण माह बनाया जा रहा है। फर्स्ट तो लेकर 7 सितंबर तक पोषण वीक और पोषण माह या कह सकते हैं न्यूट्रिशन मंथ ऑब्जर्व किया जा रहा है सितंबर 2020। ठीक है जी, तो एक किन्नवा पोषण मंथ है, थर्ड है, ये तीसरा पोषण मंथ है जिहड़ा 2020 दे विच लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, पहले आई थिंक 2018 दे विच, फिर 2019 और तीसरा 2020 दे विच। इस दे लिए वेबिनार सीरीज लॉन्च की गई ने स्मृति ईरानी द्वारा, WCD मिनिस्टर ने याद रखने ने अमेठी उत्तर प्रदेश तो। नेक्स्ट है RBI, RBI हैज़ सीज्ड बैंकिंग ऑपरेशंस। RBI द्वारा बैंकिंग ऑपरेशंस नु खत्म किया गया, केड़े पेमेंट बैंक दा अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सब तो पहले तो ये याद रखना है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कि 1949 है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट केड़े ईयर दा 1949 दे विच, अगर तुसी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट है तुहाडे लई। प्लस केड़ा पेमेंट बैंक है जिसकी ऑपरेशन नु खत्म किया गया, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक। बेसिकली इन्हों जो पेमेंट बैंक सेगा इन्हों द्वारा रीसेंटली अनाउंस किया गया कि असी इस ऑपरेशन खत्म करना चाहते हैं, तो फाइनली RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हों लाइसेंस खत्म कर दिता है। ठीक है, इन्हों बैंकिंग ऑपरेशन खत्म कर दिता है। इस तो अलावा याद रखना एयरटेल पेमेंट बैंक सब तो फर्स्ट पेमेंट बैंक है, फर्स्ट पेमेंट बैंक है इंडिया का एयरटेल पेमेंट बैंक। नेक्स्ट है लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट। चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट अगर गल करिए बच्चों की डैथ की जी रिपोर्ट है, डैथ की गिनती की जी रिपोर्ट है वो जारी की गई है किस द्वारा, अपना आंसर होगा 5th ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, यानी कि यूनीसेफ, WHO, यूनाइटेड नेशनस और वर्ल्ड बैंक द्वारा। WHO, यूनीसेफ, यूनाइटेड नेशनस और वर्ल्ड बैंक द्वारा। इस रिलेटेड थोड़ा डिटेल दे विच डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट फैक्ट्स ने। सब तो पहले कि मोर्टेलिटी एस्टीमेट लिता गया यूनीसेफ, WHO, पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। आप डिस्कस किया हमने कि यूनाइटेड नेशन से बेसिकली पॉपुलेशन डिवीजन द्वारा प्लस वर्ल्ड बैंक द्वारा मिलकर रिपोर्ट जारी की गई है कि इंडिया की जी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है ओह 1990 तो 2019 दे विच काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है, यानी कि अच्छी गल है कि जेडे चिल्ड्रंस की डैथ होंगी सी उन्हां दी जेड़ी गिनती है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर ली गई है। अगर गल करिए टोटल 4.5% एनुअल रेट ऑफ रिडक्शन देखा गया, 4.5% एनुअल रेट ऑफ रिडक्शन देखा गया 1990 तो लैके 2019 दे विच, यानी कि 126 तो 39 दे विच आ गई है। पहले 126 बच्चों की डैथ हो जाती थी एक साल के 1990 के अनुसार, और 2019 की गल करिए 39 बच्चों की, किन्या दी अंडर 5 बेसिकली जेडे 5 साल तो घट दे होंगे। ठीक है जी, अगर गल करिए नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डैथ की, तो 3.4 मिलियन तो 8,24,000 तो आ गई है, 3.4 मिलियन यानी कि 34 लाख तो 8 लाख के उत्ते पहुँच गई है नंबर ऑफ डैथ। और अगर गल करिए इनफेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि मंथ्स के जोड़े जवाक होंगे ने उन्हों की मोर्टेलिटी रेट भी रिड्यूस हुई है 1990 तो 28 तक, यानी कि 89 बच्चे 1990 जोड़ा दशक सेगा उस दे विच मर जाते हर साल, तो वह 28 तक पहुँच गए हैं 2019 दे विच। रिपोर्ट काफ़ी इंपोर्टेंट होएगी, याद रखनी। नेक्स्ट है नॉर्थरोप ग्रनमैन और NG-14 एक व्हीकल है, बेसिकली स्पेस दे विच जान दे लिए व्हीकल है। इन्हां द्वारा नेक्स्ट सिग्नस स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया जा रहा है। इन्होंने स्पेस क्राफ्ट का नाम किन्हां दे नाम दे उत्ते रखे, इन्होंने इस स्पेस क्राफ्ट का नाम रखे कल्पना चावला दे उत्ते। बेसिकली किहड़े इंडियन दे नाम दे उत्ते रखे कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन वूमेन ने जिहड़े स्पेस दे विच गए सी, और याद रखना ये नासा वालों गए सी, इंडिया वालों नहीं गए सी, नासा दे एस्ट्रोनोट्स दी कल्पना चावला, बेसिकली आई थिंक मिशन का नाम कैलिफोर्निया मिशन सीगा, मेरे रिमेंबर नहीं है पूरा, कैलिफोर्निया मिशन सी शायद जिस दे अंडर ये गए सीगे कल्पना चावला, और इन्हां दे नाम दे उत्ते एक स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा गया किन्हां द्वारा, नॉर्थरोप ग्रमैन द्वारा, नॉर्थरोप
ग्रमैन द्वारा, या फिर कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म दे विच NG14 द्वारा। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन्स इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। सुने सुने होएगा विकी, अपन पहले डिस्कस किया हुआ फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सिमिलर तरीके की एक ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन्स इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। प्रेजिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? कविता लखानी। कविता लखानी नू विकी का प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया। विकी के प्रेजिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? कविता लखानी। अगर आप गल करिए फिकी की, तो फिकी के प्रेजिडेंट ने संगीता रेड्डी। फिकी के प्रेजिडेंट कौन ने? संगीता रेड्डी। सिमिलर फिकी की एक ऑर्गेनाइजेशन है FLO, फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, इसके प्रेजिडेंट ने जहनाबी फूकान, ये भी रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे जहनाबी फूकान। बाकी तीन ऑप्शन के रिलेटड एक एक न्यूज़ है, अपॉइंटमेंट्स ने और डिस्कस करते हैं। सब तो पहले रैंडी स्मालवुड वर्ल्ड गोल्ड काउंसल के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। रैंडी स्मालवुड को चेयरमैन अपॉइंट किया गया वर्ल्ड गोल्ड काउंसल का। वर्ल्ड गोल्ड काउंसल की गल करिए लंडन यूके दे विच हेडक्वार्टर है, लंडन यूके दे विच हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं रैंडी स्मालवुड। लीसा कैंपहेल फर्स्ट वूमेन बने ने जेडे कैनेडियन स्पेस एजेंसी के हेड अपॉइंट किए गए हैं। कैनेडा जिस तरीके नाल इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है, फ्रांस की स्पेस एजेंसी जैक्सा है, सॉरी फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES है, CNES, जैक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, उसी तरीके नाल जिहड़ी कैनेडा की स्पेस एजेंसी है, कैनेडा की स्पेस एजेंसी के हेड अपॉइंट किए गए हैं लीसा कैंपवेल, और ये फर्स्ट वूमेन बने ने जिहड़े कि कैनेडा की स्पेस एजेंसी नू हेड करनगे। नैक्सट है RF नरीमैन, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जस्टिस RF नरीमैन, इन्हों चेयरमैन अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसिज कमेटी का। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसिज कमेटी के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस RF नरीमैन। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसिज कमेटी की है? ये बेसिकली उन्हों कमेटी है कि जेडे लोग किसी कोर्ट के विच केस करना चाहते हैं, हुण उन्होंने लिए अगर अमाउंट नहीं है उन्होंने वकील नू देन दे लिए या फिर होर खर्चे होंगे ने जेडे कि पेपर्स वगैरह के खर्चे होंगे ने कोर्ट के विच, तो उन्होंने लिए अगर उन्होंने पैसे नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसिज कमेटी, लीगल सर्विसिज कमेटी हर एक कोर्ट के विच है, हाई कोर्ट लीगल सर्विसिज कमेटी भी है, ईवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और तालुका कोर्ट्स के विच भी है, तो उन्होंने लिए उन्होंने फ्री वकील प्रोवाइड किया जाता है। उस कमेटी के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस RF नरीमैन, जस्टिस RF नरीमैन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च सेकेंड इनिंग्स टैप VRS 2020 स्कीम, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, VRS की अगर फुल फॉर्म की गल करिए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, अपने बेसिकली ऑफिशियल दे लिए अपने स्टाफ दे लिए सेकेंड इनिंग्स टैप VRS 2020 स्कीम केड़े बैंक द्वारा लॉन्च की गई है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, या कह सकते हैं SBI द्वारा। SBI द्वारा सेकेंड इनिंग्स टैप VRS 2020 स्कीम नू लॉन्च किया गया, ठीक है जी, याद रखना है। SBI दे नवे हेड अपॉइंट किए जा रहे हैं दिनेश कुमार खारा। इस तो इलावा SBI दे MD अपॉइंट किए गए हैं अश्वनी भाटिया, रिसेंटली अश्वनी भाटिया नू MD अपॉइंट किया गया। यस बैंक की गल करिए प्रशांत कुमार हैड ने, इस तो इलावा यस बैंक की गल करिए लोन इन सैकेंड्स या इस तो इलावा लोन ओवर सिक्योरिटीज, इन्हां स्कीम्स नू यस बैंक द्वारा ही शुरू किया गया सी। पंजाब नैशनल बैंक हैडक्वाटर दिल्ली दे विच है, पंजाब नैशनल बैंक का हैडक्वाटर याद रखना है दिल्ली दे विच है, यस बैंक का मुंबई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी मुंबई, ICICI का मुंबई और HDFC का हैडक्वाटर भी मुंबई दे विच है। ICICI बैंक की गल करिए ICICI बैंक द्वारा व्हाट्सएप के उत्ते सर्विस शुरू करने वाला फर्स्ट बैंक बनया सी HDFC, ICICI बैंक। HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सोंग रिलीज़ किया, जिसके लिरिक्स दिए गए सी प्रसून जोशी द्वारा और म्यूजिक दिता गया सी AR रहमान द्वारा। HDFC बैंक द्वारा समर ट्रीट्स कैंपेन नू भी लॉन्च किया गया सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज़ स्टार्टेड QR कोड इनेबल्ड कॉन्टैक्टलैस चैक इन मकैनिज़म फॉर पैसेंजर्स, पैसेंजर्स की सिक्योरिटी के लिए COVID-19 तो सिक्योर करने के लिए
कॉन्टैक्टलैस QR कोड के नाल कॉन्टैक्टलैस चैक इन मकैनिजम शुरू किया गया है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा। केड़े एयरपोर्ट द्वारा? मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या कह सकते हैं छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा। ठीक है जी, ये याद रखना। इस तो इलावा नैक्सट चलते हैं, अरे एक बार डिस्कस कर लेने, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद दे विच सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुजरात दे विच कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटका दे विच, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली दे विच। नैक्सट है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बूलेंस सर्विस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल क्रिटिकल एयर ट्रांसफर टीम, इंटरनेशनल क्रिटिकल एयर ट्रांसफर टीम, इंटरनेशनल क्रिकेटर एयर ट्रांसफर टीम की हेल्प के नाल केड़ी स्टेट द चीफ मिनिस्टर द्वारा एयर एम्बूलेंस सर्विस यानी कि हवा दे विच एम्बूलेंस सर्विसेज शुरू की गई ने। रिसेंटली आप मेराइन एम्बूलेंस सर्विस भी डिस्कस की थी तमिलनाडु दे विच, याद रखना। और एयर एम्बूलेंस सर्विस कितने शुरू की गई है? कर्नाटका दे विच, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर YS येदुरप्पा द्वारा इस लॉन्च किया गया। ठीक है जी, इस तो अलावा बाकी स्टेट्स दे रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने और डिस्कस कर लेने हैं। सब तो पहले अच्छा, कर्नाटका द्वारा ही टॉय मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टॉय मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर शुरू किया गया। तमिलनाडु, तमिलनाडु दे विच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसनों इनॉग्रेट किया गया NIT नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिची तमिलनाडु दे विच, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिची, त्रिची सिटी कितने है? तमिलनाडु दे विच है, बेसिकली तिरुचीपल्ली, तिरुचीपल्ली सिटी नू शॉर्ट फॉर्म दे विच त्रिची कहा जाता है। इत्थे NIT दे विच इनॉग्रेट किया गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस। असम द्वारा माजुली आइलैंड, असम का जो माजुली आइलैंड है, रिवर आइलैंड कहा जाता है, सब तो बड़ा रिवर आइलैंड, या कह सकते हैं मैन मेड रिवर आइलैंड है जोड़ा, उसकी 5th फाउंडेशन डे ऑबजर्व की गई है। इसनों डिस्ट्रिक्ट बनाया गया सी, माजुली रिवर आइलैंड नू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया सी 8 सितंबर 2016 दे विच, और इसका 5th फाउंडेशन डे ऑबजर्व किया गया। कर्नाटका दे बारे एक न्यूज़ हमने डिस्कस करके हटे हैं, एक होर है कि पशु संजीवनी मोबाइल क्लीनिक, पशु संजीवनी मोबाइल क्लीनिक लॉन्च किया गया मैसूर दे विच, कर्नाटका दे मैसूर दे विच। असम द्वारा रिसेंटली बंदीकूट रोबोट, बंदीकूट मैन होल रोबोट भी शुरू किया गया सी, ये भी याद रखना है। तीसरी सिटी बनी सी असम दी गुवाहाटी, फर्स्ट गुरुग्राम और सेकंड सी आई थिंक, मेरे माइंड से स्किप कर रही है, चलो कोई गल नहीं, थर्ड याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, असम बनी है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह कोयम्बतूर, थर्ड सी कोयम्बतूर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 22 बैंबू क्लस्टर्स लॉन्च इनॉग्रेट किए गए हैं 9 स्टेट्स दे विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे राही, और नैशनल बैंबू मिशन दे लई नवा लोगो भी लॉन्च किया गया। बेसिकली बैंबू क्लस्टर्स की ने, ताकि बैंबू की कह सकते प्रोडक्शन की जा सके और फिर उसनों एक्सपोर्ट किया जा सके। बैंबू क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं 9 स्टेट्स दे विच, 9 स्टेट्स कड़ी ने यह याद रखनिया ने, प्लस नवा लोगो भी लॉन्च किया गया नैशनल बैंबू मिशन दे लई। स्टेट्स ने गुजरात, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड, कर्नाटका। गुजरात, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटका। ठीक है जी, अगर पर नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स गल करिए तो असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, गुजरात, MP और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, विच ऑफ द स्टेट हैज़ लॉन्च किफ़ायती LED बल्ब योजना, किफ़ायती LED बल्ब योजना किस स्टेट द्वारा शुरू की गई सी, इसनों केड़ी स्टेट द्वारा शुरू किया गया है? इसनों शुरू किया गया पंजाब द्वारा, पंजाब द्वारा किफ़ायती LED बल्ब योजना शुरू की गई है। रिसेंटली आई रखवाली एप्लीकेशन भी शुरू की गई सी, याद रखनी है। इस तो अलावा बाकी स्टेट्स दे रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने और डिस्कस कर लेने हैं। सब तो पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा संस्कृत ग्राम्स शुरू किए गए ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डेवलप संस्कृत ग्राम्स, ताकि संस्कृत सिखाई जा सके लोगों को।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਨਮ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਨਮ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਨਮ ਹਰਿਦੁਆਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਲਿਓਪਾਰਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗਾਰਸੈਨ ਸਮਰ ਕੈਪੀਟਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਂਚ ਫਸਟ ਆਫ ਇਟਸ ਕਾਇੰਡ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਆਪਕਾ ਮਿੱਤਰ। ਆਪਕਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆਫ UG ਕੋਰਸਿਸ, ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਕਾ ਮਿੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਪੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਪੈਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕਿਲਿੰਗ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਗਲਪੁਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਬਾਗਲਪੁਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਟਲ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਕਿੱਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਆਈ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀ ਵਿਲ ਹੋਸਟ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਐਰੋਸਪੇਸ ਸਮਿਟ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਸਪਟੈਂਬਰ। ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਐਰੋਸਪੇਸ ਸਮਿਟ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗੀ? UAE ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਐਰੋਸਪੇਸ ਸਮਿਟ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? UAE, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, UAE ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ UAE ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਸ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੋਪ ਪ੍ਰੋਬ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, UAE ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਸ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੋਪ ਪ੍ਰੋਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਸੀ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਨੋ ਆਰਮ ਸਪਲਾਈ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਮ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰਸ਼ੀਆ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਰਸ਼ੀਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਰਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਔਰ USA ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ USA ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ USA ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਮਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਸ਼ੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚਾਈਨਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਲ ਸਪੇਸ ਕਰਾਫਟ ਬਾਏ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ 2F ਰੋਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਲ ਸਪੇਸ ਕਰਾਫਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਸਪੇਸ ਕਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਆਏਗਾ ਔਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਲ ਸਪੇਸ ਕਰਾਫਟ ਚਾਈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਫਰਾਂਸ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰਾਈਲੇਟਰਲ ਡਾਇਲੋਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਈਲੇਟਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਪਲਜ਼ ਫਸਟ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸਟੋਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਲਾਂਚ ਇਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ।
एप्पल कंपनी है जी, एप्पल कंपनी की अगर आप गल करते हैं तो एप्पल कंपनी जो कि 1976 बनाई गई सी, एप्पल का हैडक्वाटर कैलिफोर्निया USA दे विच है, और एप्पल दे सीईओ ने टिम कुक स्टीव जॉब्स इज दे फाउंडर ने, ठीक है जी। इन्हां ना पहला फ्लोटिंग स्टोर बनाया जा रहा है, फ्लोटिंग स्टोर कित्थे बनाया जा रहा है, सिंगापुर दे विच। एप्पल दा फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर कित्थे बनाया गया, सिंगापुर दे विच। अगर आप गल करिए एप्पल दा तीसरा स्टोर है सिंगापुर दे विच, और पहला फ्लोटिंग स्टोर है। फ्लोटिंग स्टोर यानी कि पानी दे उत्ते फ्लोट करता है यह स्टोर, ठीक है जी। कैपिटल सिंगापुर दी बर्न है, करंसी डॉलर चलती है। अफगानिस्तान कैपिटल काबुल है, करंसी अफगानी चलती है। अंगोला कंट्री आप पहली बार डिस्कस कर रहे हैं, कैपिटल लुआंडा है, करंसी क्वांजा चलती है। घाना कैपिटल एकरा, करंसी सेडी चलती है। इजिप्ट कैपिटल कायरो, करंसी पाउंड चलती है, ठीक है जी। हुण इन्हां कंट्रीज़ रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने और डिस्कस करते हैं। सब तो पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नूर मोहम्मद जो कि एक कोच ने, नूर मोहम्मद कोच ने इन्हां नूं 5 साल के लिए बैन किया है। नूर मोहम्मद नूं 5 साल के लिए बैन किया गया अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा। सिंगापुर दे रिलेटेड एक न्यूज़ हुणे डिस्कस करके हटे हाँ। दूसरी जो कि DBS बैंक है, DBS बैंक नूं वर्ल्ड दा बेस्ट बैंक चूज़ किया गया है लगातार तीसरे साल दे लई, 2018, 2019 और 2020 वर्ल्ड दा बेस्ट बैंक किहड़े बैंक नूं चूज़ किया गया, DBS बैंक नूं जिसका हैडक्वाटर सिंगापुर दे विच है। DBS बैंक दा हैडक्वाटर कित्थे है, सिंगापुर दे विच। एंगोला, इंडिया और एंगोला दी पहली जॉइंट कमीशन दी मीटिंग हेल्ड की गई है। इंडिया और एंगोला दी पहली जॉइंट कमीशन मीटिंग हेल्ड की गई है, ट्रेड नू या फिर डिफरेंट फील्ड्स दे विच रिलेशनशिप नू इंप्रूव करन दे लई। अगर गल करिए इंडिया दी, तां इंडिया वालों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस दे विच पार्टीसिपेट किया है। इंडिया वालों सुब्रमण्यम जयशंकर, इंडिया दे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, राज्यसभा MP ने गुजरात तो, इन्हां ने इस मीटिंग दे विच पार्टीसिपेट किया है, ठीक है जी। आज दे लई बस इन्ना ही, आई होप सानू सैशन पसंद आया होएगा। सैशन नू लाइक और शेयर जरूर कर दे रहो अपने फ्रेंड्स दे नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन, गुड बाय।